हेलो एवरीवन, फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग जैसे कि यूनिट थर्ड में थे, इसमें से हमने डायमेंशनलेस एनालिसिस शुरू कर दिया था। इसमें बकिंगम पाई थ्योरम और रिले मेथड्स के थ्रू हमने दो न्यूमेरिकल किए थे, दोनों के एक न्यूमेरिकल किए थे। अब आगे इसमें बढ़ते हैं आगे, तो आगे नेक्स्ट टॉपिक है डायमेंशनलेस नंबर। डायमेंशनलेस नंबर वो नंबर होते हैं जिनकी कोई यूनिट नहीं होती है, लेकिन इनका फ्लूइड मैकेनिक्स में या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बहुत यूज है, रिसर्च वर्क में या डिजाइन वर्क में इनका यूज होता है। जैसे सपोज एक डायमेंशनलेस नंबर है रेनॉल्ड नंबर, तो मैंने आप लोगों को जब यूनिट टू पढ़ाई थी तो उसमें बताया था कि रेनॉल्ड नंबर का यूज क्या है, कि फ्लो के पैटर्न को मेजर करना, कि फ्लो टर्बुलेंट है या लेमिनार है, किस टाइप का फ्लो। इसी तरीके से और भी नंबर है, तो डायमेंशनलेस नंबर यहाँ पे हम कैसे ऑब्टेन करेंगे कि ये दो फोर्स का रेशियो है, फोर्स को फोर से डिवाइड करेंगे, लेकिन फोर्स अलग अलग टाइप के होंगे। तो दो नंबर विच आर ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द इनर्शिया फोर्स बाय विस्कस फोर्स और ग्रेविटी फोर्स और प्रेशर फोर्स और सरफेस टेंशन फोर्स और इलास्टिक फोर्स। कहने का मतलब है कि ये इनर्शिया फोर्स को हम अगर विस्कस फोर्स से डिवाइड करेंगे तो हमें रेनॉल्ड नंबर मिलेगा, अगर ग्रेविटी फोर्स से डिवाइड करेंगे तो हमें फ्रॉड नंबर मिलेगा, या प्रेशर फोर्स से डिवाइड करेंगे तो हमें यूलर नंबर मिलेगा, सरफेस टेंशन फोर्स से इनर्शिया फोर्स को डिवाइड करेंगे तो वेबर नंबर मिलेगा, और इनर्शिया फोर्स को अगर हम इलास्टिक फोर्स से डिवाइड करेंगे तो हमें मैक नंबर मिलेगा। तो इस तरीके से हर केस में हमें इनर्शिया फोर्स को डिवाइड करना है अदर टाइप ऑफ फोर्स, न्यूमरेटर को डिवाइड करना है डिनोमिनेटर से, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर में हमेशा क्या रहेगा, आपका इनर्शिया फोर्स रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहला इसको याद करने का तरीका है कि जो डायमेंशनलेस नंबर यहाँ पे है हमारे पास, वो पांच टाइप के है, रेनॉल्ड नंबर, फ्रॉड नंबर, यूलर नंबर, वेबर नंबर और मैक नंबर, पांच टाइप के हमारे पास डायमेंशनलेस नंबर है। तो इसको लर्न करने की एक हिंट है, वो हिंट क्या है इसको जरा आप नोट कर लीजिए, इसको अपने नोट्स में मत रखना लेकिन अपने दिमाग में याद रखना कि रोज फॉर एवरी वरी मैन, ये इसकी हिंट है, रोज फॉर एवरी वरी मैन। तो रोज में जो आर है उसका मतलब रेनॉल्ड नंबर, फॉर में जो एफ है उसका नंबर है फ्रॉड नंबर, एवरी में जो ई है उसका नंबर है यूलर्स नंबर, डब्ल्यू में वरी में जो डब्ल्यू है उसका वेबर नंबर, और मैन में जो एम है उसका मतलब है मैक नंबर। तो इस तरीके से आप इन पांचों को याद रख सकते हो एक सीक्वेंस, ठीक है। जो सबसे पहला नंबर है वो रेनॉल्ड नंबर, तो रेनॉल्ड नंबर इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स ऑफ ए फ्लोइंग फ्लूइड टू द विस्कस फोर्स, इनर्शिया फोर्स को विस्कस फोर्स से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, रेनॉल्ड नंबर। तो आर इज इक्वल टू एफ आई अपॉन एफ पी। तो अब हम इन दोनों की वैल्यू निकालेंगे, तो इनर्शिया फोर्स हर केस में सेम रहेगा, इनर्शिया फोर्स निकलेगा मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, एफ इक्वल टू एम ए से, जो न्यूटन सेकंड लॉ। तो मास क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब देखो वॉल्यूम और ये टाइम नीचे है, तो वॉल्यूम पर सेकेंड ही क्या है आपका डिस्चार्ज, और डिस्चार्ज क्या होता है ए इंटू वी, एरिया इंटू वेलोसिटी, तो मैंने इसको क्या लिख दिया ए इंटू वी, वी वाला वी ऐसी रहा वेलोसिटी, तो रो ए वी स्क्वायर। तो आर इनर्शिया फोर्स की वैल्यू होगी रो ए वी स्क्वायर, इसको हर जगह याद रखना, कहीं पे हम ए को एरिया मतलब एरिया को हम एल इंटू एल भी ले सकते हैं, लेंथ इंटू लेंथ एल स्क्वायर भी ले सकते हैं, ये कहीं पे हम ए को ये भी लेंगे अपने सुविधा के अनुसार। तो इस तरीके से इनर्शिया फोर्स कैलकुलेट हो गया। अब विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स क्या होता है, जब फ्लूइड में विस्कोसिटी होती है तो विस्कस फोर्स क्या होगा, विस्कस फोर्स होता है शेयर स्ट्रेस इंटू एरिया, आई बात समझ में, क्योंकि शेयर स्ट्रेस क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो ये फोर्स कौन सा है विस्कस फोर्स, तो यहां से विस्कस फोर्स क्या होता है शेयर स्ट्रेस इंटू एरिया, तो टाउ इंटू ए, टाउ क्या था न्यूटन्स, जो हमने न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ विस्कोसिटी बताया था, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, तो टाउ क्या था म्यू डी यू अपॉन डी वाई इंटू एरिया, म्यू मतलब विस्कोसिटी, डी यू अपॉन डी वाई को डी यू मतलब वेलोसिटी, वाई मतलब लेंथ, तो वी अपॉन एल लिख दिया इसको, और एरिया ये आ गया, तो म्यू ए वी एल, म्यू ए वी अपॉन एल, ये आ गई आपकी विस्कस फोर्स की वैल्यू। तो अब वैल्यू को वहीं पुट करो, आर इज इक्वल टू एफ आई अपॉन एफ वी था, तो रो ए वी स्क्वायर, ये आ गया, ए से ए कैंसिल हो गया, वी से एक वी कैंसिल हो गया, तो ये बना वी एल रो अपॉन म्यू, ये बचा, या हम इस वी एल को ऊपर रहने दे, इस म्यू को इसके डिवाइड में ला दे, तो ये हो जाएगा।
और म्यू अपॉन रो काइनेमेटिक विस्कोसिटी बताया था तुम्हें, डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी इज द काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ये भी लिख सकते हैं ठीक है, वी एल अपॉन म्यू। अगर ये फ्लो फ्लो सपोज पाइप में हो रहा है तो लेंथ की जगह हम एल को क्या ले लेंगे, डायमीटर। अगर फ्लो किसमें हो रहा है, पाइप के अंदर हो रहा है तो एल को क्या ले लेंगे हम, डी। तो ये बन जाएगा वी डी अपॉन न्यू, या न्यू को वापिस ये भी लिख सकते हैं रो अपॉन म्यू, म्यू अपॉन रो। तो ये म्यू ऊपर नीचे रह जाएगा, रो ऊपर चला जाए, तो रो वी डी अपॉन म्यू। तो दिस इज रेनॉल्ड नंबर, तो रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू ये भी होती है रो वी डी अपॉन म्यू। मैक्सिमम केसेस में आपको यही वैल्यू लर्न करनी है। अब नेक्स्ट नंबर है फ्रॉड नंबर। तो फ्रॉड नंबर, अब देखो जो पहला नंबर था रेनॉल्ड नंबर उसमें अंडर रूट नहीं होता है, बाकी सारे जो नंबर हैं चारों में अंडर रूट जरूर आएगा। तो एफई फ्रॉड नंबर इज द रेशियो ऑफ इनर्शियल फोर्स अपॉन ग्रेविटी फोर्स। एफजी क्या है यहाँ पे, ग्रेविटी ग्रेविटी फोर्स ठीक है, और अंडर रूट भी आएगा। बाकी जो चारों डायमेंशनलेस नंबर है उनमें अंडर रूट जरूर आएगा। तो मास ग्रेविटी क्या होता है, ग्रेविटी फोर्स क्या था, मास इनटू एक्सेलरेशन, लेकिन एक्सेलरेशन कौन सा होगा, ये ग्रेविटी वाला, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो रो मास अगेन, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, क्योंकि एफआई की वैल्यू तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करी है, उसको बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, जो हम पहले कर चुके हैं। एफआई सेम रहेगा हर जगह, रो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम हो जाएगा मास, और एक्सेलरेशन मतलब जी ग्रेविटी वाला। अगेन वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम मतलब L इंटू एल इंटू एल, तीन बार L करेंगे तो हमें वॉल्यूम मिलेगा, लेंथ इंटू लेंथ इंटू, तो ये वॉल्यूम को हमने ऐसे लिख दिया क्योंकि इनर्शिया फोर्स में L आता है, उसे कैंसिल करने के लिए हमें ऐसा करना पड़ेगा। तो L क्यूब G, या L इंटू एल को, L इंटू एल को हम एरिया भी लिख सकते हैं, तो रो ए एल जी ऐसा भी लिख सकते हैं ठीक है। तो ये आ गई आपकी ग्रेविटी फोर्स की वैल्यू। तो वापिस इस एक्सप्रेशन में वैल्यू रखो, इनर्शिया फोर्स की वैल्यू वही रो ए बी स्क्वायर जो हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं यहाँ पे, ये हर जगह याद रखनी, इनर्शिया फोर्स की वैल्यू हमने यहाँ पे डाल दी, इसकी वैल्यू डाल दी, ए से ए कैंसिल हो गया, इसलिए यहाँ पे हमने एल स्क्वायर को क्या लिखा, ए लिखा था, ए से ए कैंसिल हो गया, रो से रो कैंसिल, वी स्क्वायर अपॉन एल जी, वी स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आएगा, तो वी अपॉन अंडर रूट एल जी, दिस इज द वैल्यू ऑफ फ्रॉड नंबर ओके। नाउ थर्ड नंबर है हमारा यूलर्स नंबर। यूलर्स नंबर इज द रेशियो ऑफ इनर्शियल फोर्स अपॉन प्रेशर फोर्स, एफ पी क्या है, प्रेशर फोर्स, और उसका स्क्वायर रूट। तो प्रेशर फोर्स कैसे निकालेंगे, हमें पता है प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, तो ये फोर्स कौन सा है, प्रेशर फोर्स। तो प्रेशर फोर्स क्या हो गया, पी इंटू ए, ये पी इंटू ए यहां पे रखेंगे, इसकी वैल्यू हमें पहले से पता है, तो देखो ए से कैंसिल हो गया, यहां वी स्क्वायर बचा, इस रो को हम पी के डिवाइड में डाल दो, वी वी अपॉन अंडर रूट पी बाई रो, दिस इज यूलर्स नंबर ठीक है। नेक्स्ट नंबर है वेबर्स नंबर। वेबर नंबर इज द रेशियो ऑफ इनर्शियल फोर्स टू द सरफेस टेंशन फोर्स। इनर्शियल फोर्स तो हमें पहले से पता है रो ए बी स्क्वायर होगा, सरफेस टेंशन फोर्स है एफ एस। सरफेस टेंशन कैसे निकालेंगे, क्योंकि सरफेस टेंशन जो होता है सिग्मा, वो होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो यहां से सरफेस टेंशन फोर्स एफ एस क्या आ जाएगा, सरफेस टेंशन इंटू लेंथ, तो सरफेस टेंशन इंटू लेंथ आ गया ठीक है। तो वेबर नंबर क्या होगा, रो ए बी स्क्वायर को सिग्मा इंटू एल, एल से एल कैन, अब देखो ये ए है, ए को क्या लिखेंगे, एल इंटू एल, मैंने बोला था कहीं पे हम एरिया एल के टर्म में भी लिखेंगे, लेंथ इनटू लेंथ, तो रो एल, एल से एक एल कैंसिल हो गया, यहाँ ये बचा, तो देखो वेबर नंबर क्या हो जाएगा, वी अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, और सिग्मा अपॉन रो एल, ये रो और ये एल नीचे आ जाएगा, तो वेबर नंबर भी हमारा ये आएगा, वी अपॉन अंडर रूट रो बाई सिग्मा एल ठीक है। लास्ट नंबर है मैक नंबर। मैक नंबर इज द रेशियो ऑफ इनर्शियल फोर्स अपॉन इलास्टिक फोर्स, एफ ई क्या यहाँ पे, इलास्टिक फोर्स। अगेन इनर्शियल फोर्स सेम है, लेकिन इलास्टिक फोर्स क्या हमारा, इलास्टिक फोर्स, इलास्टिक स्ट्रेस इनटू एरिया। इलास्टिक फोर्स कैसे निकलेगा, इलास्टिक स्ट्रेस इनटू एरिया। इलास्टिक स्ट्रेस को के से डिनोट करेंगे, एरिया को ए से डिनोट करेंगे, ए को अगेन लिखेंगे एल इंटू एल, तो के एल स्क्वायर हो जाएगा। अगेन वैल्यू रखो, रो ए वी स्क्वायर इनर्शियल फोर्स की वैल्यू होगी, और के एल स्क्वायर हो गया। अब देखो ये ए और ये एल स्क्वायर, ए इंटू ए एल स्क्वायर भी हो, इससे कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा, रो वी स्क्वायर अपॉन के, तो या वी रो बाई के। अब ये जो के बाई रो होता है ये क्या होता है, एक टर्म है अंडर रूट के बाई रो जो होता है वो सी होता है, सी मतलब वेलोसिटी ऑफ साउंड इन फ्लूइड, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन फ्लूइड, इसको हम सी लिख सकते हैं, तो इस टर्म को हमने सी लिख दिया, तो वी बाई सी। मैक नंबर इज द वेलोसिटी अपॉन
वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, वेलोसिटी ऑफ v इज द वेलोसिटी ऑफ वाटर, सॉरी वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, ये है वेलोसिटी ऑफ साउंड इन फ्लूइड। तो मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मैक नंबर का यूज बताया था मैंने सेकेंड यूनिट में जब हम काइनेमेटिक्स पढ़े थे। मैक नंबर अगर लेस देन वन हो गया तो फ्लो कैसा होगा, सबसोनिक, सबसोनिक फ्लो होगा। अगर मैक नंबर इज इक्वल टू वन तो फ्लो कैसा होगा, सोनिक फ्लो होगा। और इफ मैक नंबर इज ग्रेटर देन वन तो फ्लो कैसा होगा, सुपरसोनिक। तो ये मैं तुम्हें पहले ही बता चुका था। तो इस तरीके से अदर नंबर का भी हम यूज कर सकते हैं और उनका इंपॉर्टेंस है। थैंक यू वेरी मच।